हेलो स्टूडेंट्स, मोमेंटा फिजिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो जैसा कि हम लोग लॉज ऑफ मोशन पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो आज का जो हमारा टॉपिक है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सिंपल है। तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ को सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो बॉल है, बॉल ए एंड बॉल बी, और इनिशियली बॉल ए रेस्ट पर है एंड बॉल बी के पास एक वेलोसिटी है वी, और ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। यानी इसको हमने मान लिया कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और इसके पास वेलोसिटी है वी। वेलोसिटी से ये बॉल इस बॉल की ओर मूव कर रही है, तो कुछ समय बाद ये बॉल इस बॉल से टकराएगी। तो मान लेते हैं कि यहाँ दोनों बॉल एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ रही है, यानी बॉल बी बॉल ए से टकरा रही है। तो जब बॉल बी बॉल ए से टकरा रही है, तो बॉल बी बॉल ए को पुश करने की कोशिश करेगा इस डायरेक्शन में, यानी बॉल बी बॉल ए पर एक फोर्स लगाएगा। और वो फोर्स मान लेते हैं कि वो हो गया फोर्स ऑन ए ड्यू टू बॉल बी। तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ ये कहता है कि अगर कोई बॉडी किसी दूसरे बॉडी पर फोर्स लगा रहा है, तो दूसरा वाला बॉडी यानी बॉल ए भी बॉल बी पर एक सेम एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगा, यानी इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा। और उस और मान लेते हैं कि वो फोर्स हो गया एफ वेक्टर बी ए, यानी कि बॉल ए भी बॉल बी को इस डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश करेगा, या फिर इधर या फिर उस पर एक फोर्स लगाएगा और वो हो गया एफ वेक्टर बी ए। और इन दो फोर्सेस के जो मैग्नीट्यूड्स होंगे वो दोनों बराबर होंगे और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ से हो गया एफ फोर्स ऑन ए ड्यू टू बॉल बी इक्वल्स टू माइनस एफ वेक्टर बी ए। यानी न्यूटन्स का थर्ड लॉ ये कहता है कि अगर कोई बॉडी किसी दूसरे बॉडी पर फोर्स लगा रहा है, तो दूसरा वाला बॉडी भी पहले वाले बॉडी पर एक ऑपोजिट और इक्वल फोर्स लगाएगा। और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो दोनों के एक दूसरे के म्यूचुअल इंटरेक्शन से हो रहे हैं, यानी जब दोनों बॉडी एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं तब एक दोनों पर फोर्स लग रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि फोर्सेस ऑलवेज अकर इन ए पेयर एंड दे कैन नॉट अकर सिंगली। यानी तो अगर हम लोग कहें कि अगर ये जैसे ये एक सिंगल बॉडी हो गया और ये और इस पर तब तक कोई फोर्स नहीं लगेगा जब तक ये किसी दूसरे बॉडीज के कॉन्टेक्ट में आएगा, यानी अगर ये बॉडी किसी दूसरे बॉडी से जब तक कोलाइड नहीं करेगा या फिर कोई दूसरा बॉडी इस पर कोलाइड नहीं करेगा, तब तक इस पर कोई फोर्स ना तो लगेगा और ना ही ये किसी दूसरे पर फोर्स लगा सकता है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि फोर्सेज ऑलवेज अकर्स इन ए पेयर एंड फोर्सेज आर इक्वल एंड ऑपोजिट। और इसी तरह से दोनों फोर्सेज को अलग अलग टर्म में डिफाइन किया गया है। तो पहला फोर्स अगर एक्शन हो गया तो दूसरा फोर्स को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन फोर्स, और एक्शन एंड रिएक्शन जो फोर्स होते हैं ये दोनों इंस्टेंटली अकर होते हैं, यानी जैसे ही किसी बॉडी पर एक्शन होता है रिएक्शन भी उसी इंस्टेंट पे होता है और उन दोनों के बीच कोई टाइम इंटरवल नहीं होता है, यानी दोनों को लगने में कोई समय नहीं लगता है। और हम लोग कह सकते हैं कि एक्शन और रिएक्शन जो फोर्स होते हैं दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं और दोनों इंस्टेंटली अकर होते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमको समझ में आ गया कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या होता है और किसको हम लोग एक्शन बोल सकते हैं और किसको रिएक्शन बोल सकते हैं। और इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि किसी एक्शन का रिएक्शन भी हो रहा है। तो इसी को न्यूटन ने डिफाइन किया कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी जहाँ भी एक्शन होगा वहाँ पर रिएक्शन भी जरूर होगा। न्यूटन्स के थर्ड लॉ को हम लोग और भी एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये एक स्प्रिंग हो गया, ये कॉइल स्प्रिंग हो गया। अगर हम लोग इसको अपने हाथों से प्रेस करने की कोशिश करें तो ये स्प्रिंग भी हमारे हाथों पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा या लगाएगा जो हम फील कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगता है तो वो बॉडी भी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करता है और इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग न्यूटन्स के थर्ड लॉ को डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्सेस ऑलवेज अकर इन ए पेयर एंड इफ ए बॉडी ए एग्जर्ट्स ए फोर्स ऑन बॉडी बी
देन बॉडी बी ऑल्सो एग्जर्ट्स एंड इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस ऑन बॉडी बी। यानी हम लोग कह सकते हैं कि एफ वेक्टर ए बी इजल टू माइनस एफ वेक्टर बी ए, यानी फोर्स ऑन बॉडी ए इक्वल्स नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया कि जब दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहा है, यानी एक बॉडी दूसरे बॉडी पर फोर्स लगा रहा है, तो दूसरा वाला बॉडी भी पहले वाले बॉडी पर फोर्स लगा रहा है। और अगर हम लोग उस कंडीशन की बात करें कि जब दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होता है, यानी जैसे कि हम लोग किसी बॉल को अर्थ से ऊपर की ओर थ्रो करते हैं तो वो बॉल वापस अर्थ पर आके गिरती है, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि बॉल पर भी एक फोर्स लग रहा है जिसके चलते बॉल अर्थ पर आके गिर रही है। और हम लोग जानते हैं कि बॉल पर जो फोर्स लगता है वो फोर्स हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते ही बॉल जो है वो अर्थ पर आके गिर रही है। और न्यूटन्स का थर्ड लॉ ये कहता है कि अगर किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है तो वो बॉडी भी दूसरे वाले बॉडी पर एक फोर्स लगाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये अर्थ इस बॉल पर फोर्स लगा रही है तो ये बॉल भी अर्थ पर एक फोर्स लगाएगी और वो उस फोर्स के बराबर होगा। यानी अगर ये अर्थ बॉल पर जो फोर्स लगा रही है, यानी फोर्स ऑन बॉल ड्यू टू अर्थ इक्वल्स माइनस एफ वेक्टर, यानी फोर्स, यानी हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स एग्जर्टेड ऑन बॉल बाय अर्थ इज इक्वल्स टू फोर्स इज इक्वल टू फोर्स एग्जर्टेड ऑन अर्थ बाय बॉल। तो अगर यहाँ पे एक समान फोर्स लग रहा है दोनों बॉडीज पे, यानी अर्थ पर और बॉल पे दोनों एक समान फोर्स लग रहे हैं, तो हमेशा ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ बॉल ही जमीन पर गिरती है, और ऐसा क्यों नहीं होता है कि अर्थ बॉल की ओर मूव करती है? तो इसको हम लोग यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों हमेशा बॉल ही अर्थ पर गिरती है। एक शरारती बच्चा है जो एक बॉल को अर्थ से ऊपर की ओर थ्रो कर रहा है, और मान लेते हैं कि उसने उस बॉल को 50 मीटर तक थ्रो किया और उस बॉल का मास है 0.5 kg और अर्थ का जो मास है वो 6×10^24 kg है। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि अर्थ जो है वो बॉल पर कितना फोर्स लगा रही है और बॉल इस अर्थ पर कितना फोर्स लगा रही है। तो हम लोग जानते हैं कि न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से जानते हैं कि एफ इज इक्वल टू एम ए। तो अगर बॉल पर फोर्स कैलकुलेट करना होगा, यानी अगर अर्थ बॉल पर कितना फोर्स लगा रही है अगर वो हम लोग कैलकुलेट करें, तो यहाँ हो जाएगा एफ इज इक्वल टू मास ऑफ बॉल और हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ बॉल। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ जो अर्थ से थ्रो किया जाता है उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है जी, और जी का वैल्यू होता है 9.8 m/s² या फिर हम लोग उसको 10 m/s² भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से मास ऑफ बॉल हो गया 0.5 kg एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉल हो गया 10 m/s², तो ये फोर्स हो गया 5 N। यानी अर्थ जो है वो बॉल पर 5 N का फोर्स लगा रही है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ये बॉल भी अर्थ पर 5 N का फोर्स लगाएगी। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि ये बॉल जो है अर्थ पर जो फोर्स लगा रही है उसके कारण अर्थ पर कितना या अर्थ का कितना एक्सेलरेशन हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए यानी मास ऑफ अर्थ और एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ। तो यहाँ से फोर्स हो जाएगा, तो यहाँ से न्यूटन्स का थर्ड लॉ का यूज़ करके लिख सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू 5 N और मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है 6×10^24 kg एंड एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ हो जाएगा 0.83×10^-24 m/s². तो यहाँ से हम लोग एक्सेलरेशन देख रहे हैं कि ये बहुत ही नेग्लिजिबल क्वांटिटी आ रहा है, यानी 0.83×10^-24 m/s². और अगर हम लोग यहाँ से अर्थ का डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोशिश करें, यानी जैसे कि बॉल अर्थ की ओर डिस्प्लेस हो रही है तो अर्थ भी बॉल की ओर कितनी दूरी ट्रेवल कर रही है या फिर कितना दूर डिस्प्लेस कर रही है,
तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि इस बॉल को इस अर्थ पर गिरने के लिए कितना समय लगता है। तो हम लोग यहाँ तो हम लोग काइनेमेटिक्स के इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं, एस स्क्वायर टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहाँ से एस दिया हुआ है 50 मीटर, और मान लेते हैं कि बॉल का इनिशियल वेलोसिटी यानी जब बॉल मैक्सिमम हाइट तक पहुंची, फिर जब वो गिरने लगती है ज़मीन पर तो उसका इनिशियल वेलोसिटी वो जीरो रहता है, तो वो हो गया जीरो प्लस हाफ, और एक्सलेशन ऑफ बॉल हो गया जी यानी 10, और ये हो गया टी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि टी स्क्वायर हो जाएगा 10, तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि टी स्क्वायर हो जाएगा 10 सेकेंड, और टी स्क्वायर टू हो जाएगा अंडर रूट 10 सेकेंड, यानी बॉल जो है उसको अर्थ पर गिरने के लिए जो समय लगता है वो है टी स्क्वायर टू अंडर रूट 10 सेकेंड। अब हम इतने ही समय में देखेंगे कि अर्थ बॉल की ओर कितना दूरी तय कर रही है या उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। तो यहाँ से भी हम लोग इस इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं, एस स्क्वायर टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और मान लेते हैं कि इनिशियली अर्थ का इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है यानी यू है वो जीरो हो गया, तो यू स्क्वायर टू जीरो इंटू टू जीरो हो गया प्लस हाफ एक्सलेशन ऑफ अर्थ इंटू टी स्क्वायर, और ये जो एक्सलेशन है 5 न्यूटन फोर्स के कारण है, क्योंकि बॉल जो है वो 5 न्यूटन का फोर्स लगा रही है अर्थ पर, तो इसका एक्सलेशन जैसे हमने कैलकुलेट किया वो है 0.83 × 10⁻², तो यहाँ से हो गया हाफ इंटू 0.83 × 10⁻²। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं टी स्क्वायर स्क्वायर टू 10 सेकेंड, तो यहाँ से एस हो जाएगा एस स्क्वायर टू 10⁻², तो यहाँ से अर्थ का डिस्प्लेसमेंट हो गया 4.15 × 10⁻²। और ये क्वांटिटी क्या है, ये क्वांटिटी जो है ये नेग्लिजिबल है यानी लगभग जीरो के बराबर है। और इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि बॉल जो अर्थ पर फोर्स लगा रही है उसके कारण अर्थ का डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, जीरो, इसीलिए बॉल जो है वो हमेशा अर्थ की ओर गिरती है लेकिन अर्थ का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक कर लीजिए, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको आने वाले वीडियोस का और भी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।